हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टार्डस में। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 50s के फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करेंगे। व्यूअर, बात करें अर्जुन हिंगोरानी की तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फेमस हीरो हीमन ऑफ द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र सर, जिन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया था अर्जुन हिंगोरानी ने। फिल्म थी 1960 की दिल भी तेरा हम भी तेरे। इसके अलावा अगर अर्जुन हिंगोरानी की करियर बेस्ट मूवीज़ की बात करें तो उनमें शामिल हैं कहानी किस्मत की, कातिलों के कातिल, करिश्मा कुदरत का, कब क्यों और कहां। और इसके अलावा दिवाली वाली रात उनकी करियर बेस्ट मूवीज़ में शामिल हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी की रिलीज तमाम मूवीज़ की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और हमारी आज का वीडियो भी हमारे चैनल के बहुत सारे व्यूवर्स की विश पर बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूवर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो व्यूअर, अर्जुन हिंगोरानी की एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू फिल्म का नाम है दिवाली की रात। और इस फिल्म में उनके साथ सेकेंड डायरेक्टर थे धर्म कुमार, और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे तलत महमूद, रूपमाला और शशि गिला शामिल थे। ये फिल्म 1956 को रिलीज हुई थी। और एज अ डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की डेब्यू मूवी दिवाली की रात भी ये बॉक्स ऑफिस पर एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई थी। एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म देने के 4 साल बाद दूसरी फिल्म डायरेक्ट की अर्जुन हिंगोरानी ने। फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे धर्मेंद्र, कुमकुम और बलराज साहनी। ये एज एन एक्टर धर्मेंद्र सर की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किया था अर्जुन हिंगोरानी ने। फिल्म, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कि 1960 को रिलीज़ हुई। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 6.8 स्टार दिए गए थे। और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। और भी इसी तरह अर्जुन हिंगोरानी के डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी का नाम है सहेली। फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे प्रदीप कुमार, कल्पना, विजया चौधरी, बबलू और मुराद। ये फिल्म 1965 को रिलीज़ हुई थी। सहेली एक रोमांटिक मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 6.4 स्टार दिए गए थे। और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। और फ्रेंड, अर्जुन हिंगोरानी के डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है कब क्यों और कहां। फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे धर्मेंद्र, बबीता, प्राण, दुमल, हेलन। और यह फिल्म 1970 को रिलीज हुई थी। कब क्यों और कहां ये एक एक्शन मिस्ट्री रोमांटिक मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 6.7 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 65 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 1.25 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 2.45 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर कब क्यों और कहां ये एक सीमे हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई। और व्यूअर, इसी तरह अर्जुन हिंगोरानी के डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है कहानी किस्मत की। फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे धर्मेंद्र, रेखा, अजीत, राजेंद्र नाथ, भारत भूषण। और ये फिल्म 1973 को रिलीज हुई थी। कहानी किस्मत की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 6 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 90 लाख और इस फिल्म के इंडिया में नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 2.50 करोड़। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 5 करोड़ और कलेक्शन के एतबार से कहानी किस्मत की एक हिट फिल्म करार दी गई। अर्जुन हिंगोरानी के डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है खेल खिलाड़ी का। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, शबाना आजमी और धारू शामिल थे। ये फिल्म 18 अप्रैल 1977 को रिलीज हुई थी। खेल खिलाड़ी का एक एक्शन थ्रिल मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 6.3 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 1.10 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में नेट लाइफ टाइम कलेक्शन किए 1.50 करोड़ और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 3 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर खेल खिलाड़ी का एक अबव एवरेज मूवी करार दी गई। और भी बार इसी तरह अर्जुन हिंगोरानी के डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है कातिलों के कातिल। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, जीना तमान, टीना मुनीम, अमजद खान, निरूपा रॉय और शक्ति कपूर शामिल थे। ये फिल्म 1981 को रिलीज हुई थी। कातिलों के कातिल एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 6.5 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 2.08 करोड़। फिल्म के इंडिया में नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 4 करोड़ और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 6 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर कातिलों के कातिल एक हिट फिल्म करार दी गई।
और फ्रेंड सुनील हिंगोरानी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी करिश्मा कुदरत का। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अर्जुन हिंगोरानी। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, रद्दि अग्निहोत्री, अनीता राज, शक्ति कपूर, सईद जाफरी शामिल थे। ये फिल्म 6 दिसंबर 1985 को रिलीज हुई। करिश्मा कुदरत का एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.3 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 10 लाख और इस फिल्म के इंडिया में नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 3 करोड़ 95 लाख। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 7 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा कुदरत का एक हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई। मुगल एस आनंद की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सल्तनत। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अर्जुन हिंगोरानी। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, सनी देओल, श्रीदेवी, जूही चावला, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, करण कपूर शामिल थे और ये फिल्म 4 अप्रैल 1986 को रिलीज हुई। और सल्तनत एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6 स्टार दिए गए थे। और सल्तनत मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। अर्जुन हिंगोरानी की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी है कौन करे कुर्बानी। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, गोविंदा, अनीता राज शामिल थे। ये फिल्म 19 अगस्त 1991 को रिलीज हुई। कौन करे कुर्बानी एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 3.2 स्टार दिए गए थे। और बॉक्स ऑफिस पर कौन करे कुर्बानी एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। अनिल कुमार शर्मा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी कैसे कहूं के प्यार है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अर्जुन हिंगोरानी। फिल्म की लीड कास्ट में अमित हिंगोरानी, शर्बानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल शामिल थे और ये फिल्म 9 मई 2003 को रिलीज हुई थी। कैसे कहूं के प्यार है ये क्राइम रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से जस्ट 3.3 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 3 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 11 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 1 करोड़ 75 लाख और बॉक्स ऑफिस पर कैसे कहूं के प्यार है ये एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। और यही एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए अर्जुन हिंगोरानी की आखिरी मूवी भी साबित हुई है। और फ्रेंड इसके अलावा अर्जुन हिंगोरानी ने 1958 में एक सिंधी फिल्म भी डायरेक्ट की थी। फिल्म का नाम था अबाना। इस फिल्म की डिटेल अवेलेबल नहीं है बॉक्स ऑफिस की, तो इसलिए इस फिल्म को हमने आखिर में सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ऐड किया है। और यूर अर्जुन हिंगोरानी की बात करें तो एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अलावा एज एन एक्टर भी उन्होंने 7 मूवीज़ में काम किया है, जिनमें से 1970 की मूवी कब कौन और कहां, और इसके अलावा 1973 की मूवी कहानी किस्मत की, 1977 की मूवी खेल खिलाड़ी का, और इसके अलावा 1981 की मूवी कातिलों के कातिल, 1986 की मूवी सल्तनत, 1988 की मूवी अफसर और 1991 की मूवी कौन करे कुर्बानी। इन 7 मूवीज़ में एज एन एक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने काम किया है। ऑफ एंड एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशियो निकालें तो एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी 11 मूवीज़ का हिस्सा रहे हैं, जिनमें से उनकी सिर्फ 3 मूवीज़ हिट और 1 मूवी सेमी हिट रही है। इसके अलावा उनकी 1 मूवी अबव एवरेज, 1 बिलो एवरेज रही, 3 मूवीज़ फ्लॉप और 2 डिज़ास्टर रही हैं। तो इस हिसाब से अर्जुन हिंगोरानी का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर सक्सेस रेशो बनता है 54.55%। और फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज किया। तो फ्रेंड अर्जुन हिंगोरानी की एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिलीज होने वाली इन तमाम मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज़ के नाम मेंशन करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूँ कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने हमारे इस चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।